उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, जम्मू से कर्नाटक तक आसमानी तबाही ने तांडव मचा रखा है। भारी बारिश की वजह से हिंदुस्तान पानीस्तान बना हुआ, इसी वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है, जिसके चलते राजधानी के इलाकों पर इसकी चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा खतरे में है तो वो है लोहे का पुल जो यमुना नदी के ऊपर बना है। कहा जाता है दिल्ली हावड़ा लाइन का यह पुल 150 साल पुराना है। पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से दिल्ली के मशहूर लोहे का पुल पर यातायात बंद कर दिया गया है। इधर देर रात हुई बारिश से यमुना का जलस्तर कुछ और बढ़ गया है। आपको बता दें बीते 29 जुलाई को हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से 2,53,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे यमुना उफान पर आ गई और ऊपर से बारिश। अब पानी इतना बढ़ गया है कि दिल्ली के लोगों के अंदर इसका डर है ही, साथ ही साथ प्रशासन की भी नींदें उड़ गई हैं। अधिकारियों के अनुसार यमुना 29 जुलाई की शाम 205 मीटर पर बह रही थी और खतरे का निशान 204 मीटर है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।